सब्सक्राइब कीजिए टेक उर्दू एडवाइस यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह, ये जो मैंने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि लाइव वाल पेपर लगाया हुआ है, वाल पेपर में अपनी पिक्चर भी सेट की हुई है। इस तरह अगर आप भी चाहते हैं कि अपने मोबाइल पे एक क्लॉक लगाएं जिसमें आपकी पिक्चर लगी हो, लाइव वॉलपेपर हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इस तरह का ही बैकग्राउंड सेट करने का तरीका बताऊंगा जिसमें आप क्लॉक में अपनी पिक्चर लगा सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको किस तरह और कहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी मैं अभी आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही बेल के निशान पर क्लिक करेंगे तो मेरी इस तरह की रोज़ाना नई से नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मुझे उम्मीद है सभी दोस्तों ने जल्दी से सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना। आपने जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में जाके आपने सर्च करना है फ़ोटो क्लॉक लाइव वॉलपेपर। आप देख सकते हैं इस तरह की एप्लीकेशनें काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगी। ये भी इनमें से भी काफ़ी अच्छी अच्छी एप्लीकेशन हैं, लेकिन मैं ये सबसे पहली एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। आप इसका डिस्प्ले देख लें, आपने यही इंस्टॉल करनी है। मैं इसे ओपन करता हूँ। 1 मिलियन डाउनलोडिंग है, 4 पॉइंट रेटिंग है 1, और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे दोस्तों फीचर मौजूद हैं। देख सकते हैं आप नीचे आके डिजिटल क्लॉक है इसके, मैं भी आपको बताता हूँ दोस्तों पूरी डिटेल से। आपने इसे इंस्टॉल कर लेना, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इस तरह का कुछ इसका इंटरफेस है, इस तरह का डिस्प्ले है। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे डिजिटल क्लॉक, नाइट क्लॉक, नॉलेज क्लॉक और फ़ोटो क्लॉक। आपने ये सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो फ़ोटो क्लॉक लिखा हुआ है, डिजिटल क्लॉक का भी ऑप्शन है और भी है, लेकिन मैं आपको फ़ोटो क्लॉक के बारे में बताता हूँ। अपने फ़ोटो क्लॉक क्लॉक पे क्लिक करना है सबसे पहले पे। जैसे ही आप इस पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो इस तरह का डिस्प्ले आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों आपने करना क्या है, ये नीचे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं, आप अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हैं और इसमें टेक्स्ट भी दे सकते हैं। आपने इसके बाद अगर आपने अपनी तस्वीर लगानी है क्लॉक में तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है ऐड फ़ोटो पे। ऐड फ़ोटो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे, आप कैमरे से खींच के लगाना चाहते हैं कि गैलरी से। गैलरी पे क्लिक करें। गैलरी के पे क्लिक करने के बाद आपके पास गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने कोई भी फ़ोटो चूज़ कर लेनी है जो आपके पास पड़ी हो। मैं ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप फिंगर से फ़ोटो बड़ी छोटी कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके करना। और यहाँ से दोस्तों आप दोनों एंड से जिस तरह उन्होंने डिस्प्ले में बताया फ़ोटो छोटी बड़ी काट सकते हैं, जिस तरह जिस साइड को आप चाहें इसको घुमा सकते हैं। उसके बाद आपने दोस्तों अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अच्छे तरीके से पिक्चर सेलेक्ट कर लें। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। इसके बाद अगर आप दोस्तों क्लॉक चेंज करना चाहें, आपको ये क्लॉक अच्छा नहीं लगता, तो ये लिखा हुआ है क्लॉक नीचे, क्लॉक्स, इस पर क्लिक करना। आपने इस पर क्लिक करने के बाद काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे, यहाँ से आप जो सिलेक्ट करना चाहें, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं ये एक सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद अगर दोस्तों और कोई सिलेक्ट करना तो आप जो आप चाहें वो सिलेक्ट कर ले सकते हैं। मैं कोई और सिलेक्ट करता हूँ, देखिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड आपको अच्छा नहीं लग रहा क्लॉक के पीछे जो लगा हुआ है, तो लिखा हुआ है ऐड बीजी, इस पर आपने क्लिक करना है। बैकग्राउंड मतलब यहाँ से आपको जो बैकग्राउंड अच्छा लगे आप वो सिलेक्ट कर लें। फ़र्ज़ करें मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं पीछे से ये बैकग्राउंड चेंज हो गया है। उसके बाद दोस्तों फ़र्ज़ करें आप इसके ऊपर लिखना चाहते हैं अपना नाम या कुछ और, तो आप टेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे आप अपना नाम लिख दें जो भी आपने लिखा।
यहाँ मैंने अपना नाम लिख दिया। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने नाम का स्टाइल चेंज करें तो यहाँ से नीचे से आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों अगर आपने कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। और ये चेंज करने के बाद ऊपर आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करें और आप देख सकते हैं कि ये नीचे नाम लिखा आ गया है। यहाँ से आप हैंड से आगे पीछे भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। इसके बाद दोस्तों अगर आपने जैसे मैंने वीडियो के शुरू में अपनी स्क्रीन पे वॉलपेपर लगाया हुआ था लाइव, ये सेट करना है तो आपने ये ऊपर देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है सेट वॉलपेपर, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वॉलपेपर आपके सेटिंग पे अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। फिर आपने ये फिर आ जाएगा सेट है वॉलपेपर, इस पर क्लिक कर देना नीचे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो हम बैक जाते हैं, आप देख सकते हैं कि मेरा वॉलपेपर चेंज हो गया, जो पहले था वो नहीं रहा, नया वॉलपेपर लग गया। इस तरह दोस्तों आप अपना वॉलपेपर लाइव वॉलपेपर लगा सकते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है और साथ ही बेल का निशान है। दोस्तों बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो इस तरह के वॉलपेपर लगाना चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता चलता, इसलिए वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कोई न्यू और लेटेस्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, और दुआ में याद रखिए।